पीजीआई में आज नर्सिंग स्टूडेंट्स द्वारा भारी संख्या में रोष प्रदर्शन किया गया। दरअसल 1990 से पीजीआई अपने बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट से एक बॉन्ड पर साइन करवाता था, जिसके तहत पीजीआई द्वारा ही 6 महीने के अंतराल में उन स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट की जाती थी। लेकिन शनिवार यानी कि 20 मई से एक स्पीकिंग ऑर्डर के तहत उन्हें प्लेसमेंट देने से इनकार कर दिया गया है। हालांकि सितंबर 2022 में पीजीआई द्वारा तकरीब 370 से ज्यादा पदों को भरने का दावा भी किया गया था, लेकिन 9 महीने इंतजार करने के बाद भी नौकरी ना मिलने और पीजीआई की तरफ से यू टर्न लेने के कारण छात्र काफी गुस्से में हैं और इसी कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीजीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर्स के करीब 250 पद खाली हैं। अब देखना यह है कि नर्सों के भविष्य को लेकर पीजीआई प्रशासन द्वारा क्या रुख अपनाया जाता है। पीजीआई के कैरो ब्लॉक के बाहर इतने पीजीआई एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, 9 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। जिहड़ियां स्टूडेंट्स ने लड़कियां ने वो अज इतने प्रोटेस्ट कर रही ने, क्योंकि इन्हों जदों 1990 तो चलता आ रहा कॉलेज तो उदों तो लगातार ये प्रैक्टिस रही है। इन्हों तो एक बॉन्ड भरवाया जाता है एडमिशन के टाइम पर भी पीजीआई इन्हों जे इन्हों की डिग्री खत्म होने 6 महीनों के जॉब ऑफर करता है तो इन्हों वो जॉब लेनी पैनी है तो उन्होंने छड़ के नहीं जा सकती बॉन्ड, तो इन्हों 6 महीने का पीरियड वेट करना पड़ता है तो या फिर वो बॉन्ड तोड़वा के पैसे भर के फिर यह जा सकते हैं तो 3 साल घट्टो घट सर्विस देनी पैंती है। तो अज तो इन्हों तो पिछले वाले सारे बैच पूरे दे पूरे डिग्री खत्म करने तो बाद इतने ही पीजीआई के शामिल हुए। तो कॉलेज में खोलन का मकसद भी यही भी पीजीआई में एक आपका ट्रेनड स्टाफ चाहिए जिदी इतने ट्रेनिंग हुई हो तो जो बेहतर तरीके इतने काम कर सके। तो अज की हो रहा है भी अज प्रशासन जोड़ा है इस गल मुकर रहा है इन्हों जॉब देने तो, एक तो पिछले साल के स्टूडेंट्स मोस्टली ग्रैजुएट कई हो चुके हैं तो इन्हों का आ 6 महीने का बॉन्ड का लास्ट डेट अज जो अज की तरीक भी खत्म हो जूगी तो इन्हों के हाथ के कुछ नहीं, मतलब पिछले 6 महीनों के इन्होंने बार बार उन्होंने फरवरी में मार्च में अप्रैल में चिट्ठिया लिखिया ने भी तुम प्लीज़ साड़ी गल मनो सानू दसो कितों तक प्रोसैस चल रहा है की कर रहे हो तुम इन पूरी चीज़ को लैके, तो उदो इन्हों का कोई जवाब नहीं आया। तो जो इन्होंने कहा कुछ बच्चों ने बाहर जाना सी सानू ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो साडा ब्रेक कर दो बॉन्ड ब्रेक कर दो, उन्होंने जवाब आया भी अभी बॉन्ड नहीं ब्रेक करा, मतलब ना तो थोड़ा बाहर कितने नौकरी कर दे रहे ना ही तुम्हें आप नौकरी देते रहते हैं। इस तरह का धक्का तो दूजा पिछले 4 साल जो इन्होंने इतने कॉलेज के आपके पूरे किए ने उस 6 महीने इंटर्नशिप होंगी है जिते ही रेगूलर नर्सिस वागू काम कर रही ने जिदा 13,500 स्टाइपेंड हूँ वो भी पीजीआई ने रोक रखे ना तो पिछले साल वाले ने दिता ना इस साल वाले ने दिता। तो इस तरह लगातार हर रोज़ भी इन्हों ड्यूटीज़ अड्ड अड्ड थावान लगदी रही ने तो सारिया ड्यूटियां यह रेगूलर नर्स वागू निभाते रहे हैं। फ्री की लेबर जो तक चाहिए सी लगातार पीजीआई के वालों हाँ अज इन्हों आख्या जा रहा है भी असं तो दरवाजे बंद कर रहे हैं, इन्होंने कोर्ट केस भी किया हुआ अज इतने खड़े ने साढ़े तक भी पहुँच की असं पी एस सी ललकार वालों इन्हों के पूरा मुंडे का मुंडा जोड़ के बिल्कुल एक जायज़ मांग है अज इन्हों कल किसी न भी हो सकता। ये बॉन्ड जो है वो 1990 से चला आ रहा है, अभी जाके इसी साल भी बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया गया है और जो मिनिस्टर से मीटिंग वगैरह भी हुई है डायरेक्टर की तो उनमें जो नए रूल्स आ रहे हैं जो आरआर बना गए हैं बट वो भी हम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती अभी क्योंकि हम तो हमारा बैच 2018 का है और वो 2019 से आए नए रूल्स अगर वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट हुए नहीं है तो उस बेसिस पे उन्होंने हमारे स्पीकिंग ऑर्डर्स में ये दो रीजंस दिए गए हैं जो आई थिंक दे आर इनवैलिड। सो स्पीकिंग ऑर्डर किस दिन आया था? 21st और आज 24 तारीख को आप धरने पर बैठे। हाँ जी, अभी तक प्रशासन ने आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया? अपना नाम बोलिए। मेरा नाम अपूर्वा है और मैं 9th की स्टूडेंट हूँ। हम जस्ट अभी पास आउट हुए हैं, जस्ट अभी नहीं हमें 6 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए हैं हमारे बॉन्ड कम्प्लीट, हमारा बॉन्ड जो है वो कम्प्लीट होने वाला है जस्ट, और हम यहाँ पे अपनी रिक्रूटमेंट जॉब के लिए आए हैं जो हमारा राइट है और जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं। हमें 6 मंथ्स इतनी फॉल्स होप में हमें रखा गया कि हमें जॉब मिलेगी और मिलेगी बट अब हमें कुछ दिनों पहले से ये स्पीकिंग ऑर्डर आया जिसमें हमें इतने दो रीजंस दिए गए हैं जो बिल्कुल इनवैलिड हैं, ऑलमोस्ट इनवैलिड हैं और जो कोर्ट है हमने केस वगैरह भी किया है तो वो भी ऑलमोस्ट हमारे साथ ही है बट अभी भी हमें कोई डायरेक्टर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स कोई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और अभी जब तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता हम करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ कि बॉन्ड ब्रेक होकर और उन्होंने वादा खिलाफी की है कि बॉन्ड के अनुसार आपको जॉब नहीं देंगे और ये बहुत टाइम ये बॉन्ड जो है वो बहुत सालों से चला आ रहा है तो सभी को जॉब मिलती है, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि जैसे हम थोड़ा
मेरा नाम राजवीर कौर है, मैं नर्सिंग स्टूडेंट पास आउट हूँ 2018 तो 2022 बैच की स्टूडेंट हूँ। मैं साडा जो असं अजे इकट्ठ किया है, जो सा इशू है, साढ़े दो इशूज ने बेसिकली, पहला है कि रिक्रूटमेंट का, दूजा साढ़ा इशू है जो स्पीकिंग ऑर्डर साढ़े खिलाफ इन्होंने जारी किए हैं वो है वापस ले, क्योंकि असी इसे पी जी आई जो इंस्टीट्यूट है ये अंदर असी 4 साल नर्सिंग की है, BSc नर्सिंग, तो BSc नर्सिंग कर 4 साल आने तो पहला सानू एक कमिटमेंट दी सी कि थानू 4 साल बाद जॉब मिलेगी। जो नर्सिंग स्टूडेंट्स ने हमें हर साल इतनी रिक्रूटमेंट उन्होंने होंगी है, तो पिछले साल सितंबर असी अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, दिसंबर साडा रिजल्ट आ गया PNRC, सानू लाइसेंस भी इशू हो गए हैं, जनवरी सानू जो रिक्रूटमेंट फाइल्स ने पर पिछले साल भी यह होया 2021 के रिक्रूट्स ने उन्होंने भी कोर्ट जाना पैया से नौकरी लेने वास्ते, तो ऐतकी भी इन्हों का कोर्स भी केस भी कोर्ट में चल रहा है, पर ऐतकी जो कोर्ट है उधर जाके भी इन्होंने आपका रस्ता नहीं इंफ्लुएंस करके अज प्रोटेस्ट उतरे, क्योंकि जो बीजे प्रशासन है उन्हें एक स्पीकिंग ऑर्डर कटता है जिंदे लिखे कि असी 2019 जो है रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज किए हैं ना, तो उस तो बाद असं चेंज करते कि हम असं उम्मीद रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, पर पहली गल तो है कि आज जो बैठा बैच है 2018 का है, अगर रूल्स चेंज हुए भी नहीं तो भी लागू नहीं होते हैं। दूसरी गल है कि जो रूल्स चेंज हुए उनके कितने भी आप चेंज हुआ कि पीजे रिक्रूट नहीं करेगा, ये जो कॉलेज बनया से ना ये इसे करके बनया सेगा कि जो पीजे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक ट्रेन मैन पावर मिले, तो हम उस आपके जो वादे तो यह कर रहे हैं, पहला जो ये क्योंकि जिम्मे स्टूडेंट्स कितने भी जा सकते हैं और नर्स BSc कर सकते हैं या किसी होर कोई भी कोर्स कर सकते हैं, पर एक कोर्स ऑप्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने जॉब सिक्योरिटी होती है, तो अज वो छीन रहे हैं इस करके अज जिन्हें भी मतलब जिन्होंने बोर्ड साइन किया हुआ फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ ईयर के पास आउट हुए अज इतने प्रोटेस्ट आए हैं, तो सिर्फ अज एक इनिशियल स्टेज है, एक चेतावनी है, जे अज जी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी डिमांड उन्होंने डिमांड्स नहीं मिलेगी तो अगर चल के वो लंबी लड़ाई करेगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।